खुसरो निजामी बोल रहा हूँ। कुदरत के अन्य सभी जीव जंतुओं की तरह मनुष्य भी अपने अस्तित्व के लिए लड़ता ही रहता है। भोजन श्रृंखला में सबसे ऊपर होने की वजह से मनुष्य की लड़ाई सबसे अधिक मनुष्य से ही होने लगी और इस लड़ाई को उसने युद्ध जंग का नाम दिया। समय के साथ साथ जैसे जैसे समाज बढ़ता गया, युद्ध और लहू मारने लगा। जो बड़े समाज होते थे वे अपने से छोटे समाज को जीत कर उन पर हुकूमत करने लगे, उनको अपना गुलाम बनाने लगे। चक्रवर्ती सम्राट अशोक हो, सिकंदर महान हो, चंगेज खान हो या हिटलर हो, इतिहास भरा पड़ा है ऐसे लोगों से जिन्होंने युद्ध में बेपनाह लोगों की जान ली। बदलते समय के साथ साथ युद्ध करने की कला भी बदलती गई और युद्ध करने की वजह भी बदलती गई। पहले तो सिर्फ अपना साम्राज्य फैलाने के लिए, बढ़ाने के लिए होता था, लेकिन 18वीं शताब्दी में औद्योगिकरण के बाद बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए युद्ध होने लगे। ये युद्ध और भी खतरनाक होने लगे। वर्ल्ड वॉर वन में 3 करोड़ लोगों की जान गई और वर्ल्ड वॉर टू में 6 करोड़ लोगों की। दूसरे विश्व युद्ध से मनुष्य को 2 नई चीजों की जानकारी हुई। नंबर 1, एटम बॉम्ब, और मनुष्य पहली दफा अपने ही बनाए हुए हथियार से डर गया, पूरी मनुष्य जाति पर खतरा छा गया। और नंबर 2, युद्ध अपने आप में एक बहुत बड़ा व्यापार बन गया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद कई नए देशों का जन्म हुआ और उनको हर तरीके के हथियार बेचे गए। विश्व की 2 महान शक्तियां अमेरिका और USSR, ये लोग कभी भी सीधे सीधे आमने सामने नहीं आए, परंतु एक दूसरे के दुश्मनों को इन्होंने मदद करनी शुरू कर दी। 2 गुट में पूरे विश्व को बांट दिया गया। अफगानिस्तान और वियतनाम इनका नया एक्सपेरिमेंटल ग्राउंड बन गया। फिर समय आया शीत युद्ध का, कोल्ड वॉर का। इसमें युद्ध नहीं होते थे, बल्कि सरकार अपने जासूसों के द्वारा विरोधी विचारधाराओं या विरोधी राजनेताओं को एसेसिनेट करवा देती थी, मार डालती थी। कुछ समय बाद जब इनके खुद के नेता मरने लगे तो इन लोगों ने एक ये संधि कर ली कि जनता द्वारा चुने गए नेताओं को नहीं मारा जाएगा। युद्ध का खतरा बना रहे और शक्ति का संतुलन रहे, इसमें हथियार बनाने वाली कंपनियों का बहुत फायदा है। ऐसे महंगे महंगे लड़ाकू हवाई जहाज बनाए गए हैं जो इतने महंगे हैं कि सिर्फ अमेरिका की सरकार ही उन्हें खरीद पा रही है। अमेरिका के पास ऐसे कई लड़ाकू विमान हैं जिनकी एक की कीमत ही भारत के रक्षा बजट से भी अधिक है। ईरान, इराक हो, अफगानिस्तान हो, वियतनाम हो, या पूरा मिडिल ईस्ट हो, या हमारा हिंदुस्तान पाकिस्तान ही क्यों ना हो, खाने के पैसे हो ना हो, लेकिन हथियार खरीदना इनकी मजबूरी बन चुकी है। फ़ायदा किसका है ये आपका कॉमन सेंस बता ही देगा। दुनिया में 4-5 देश ऐसे भी हैं जिनकी आमदनी का मुख्य जरिया ही सिर्फ और सिर्फ हथियार है। पूरी दुनिया में कहीं भी एक बम भी फूटता है तो इनकी अरबों खरबों रुपए की बिक्री हो जाती है। तो अब सीधे सीधे युद्ध नहीं होता है, बस युद्ध का खतरा बना रहता है। इसको आतंकवाद कहते हैं। सब डरे हुए हैं कि कहीं भी किसी के भी देश में कोई बम ना फट जाए। पुलवामा में हुआ आतंकवादी हमला भारत के लिए कोई पहला आतंकवादी हमला नहीं है और अंतिम तो बिल्कुल भी नहीं है। आने वाले समय में ऐसे और भी आतंकवादी हमले होते रहेंगे, इसके लिए हमें तैयार रहना होगा, थोड़ा सजग होना पड़ेगा। अपने आसपास नज़र रखें, कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु दिखाई दे तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। खुद हीरो बनने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। किराएदार रखना हो या घर में कोई नौकर हो, उसकी पूरी की पूरी जानकारी अपने पास रखें और हो सके तो पुलिस में पहले से ही जमा करवा दें। इन हथियारों को अच्छी तरीके से पहचान लीजिए। हमारे देश को, हमारे समाज को ये भीतर ही भीतर बुरी तरीके से खोखला कर रहे हैं। इनको अपने पास मत आने दीजिए और जिनके पास है उनको भी अपने पास मत आने दीजिए। ये सब आतंक को बढ़ावा देते हैं, आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। सोशल मीडिया पर थोड़ा सावधानी से रहें। किसी भी वीडियो या फोटो पर फौरन ही यकीन मत कर लीजिए, उसकी सत्यता को थोड़ा सा जांचिए पर रखिए। अपनी भाषा को संयमित रखिए। ऐसी कई टीम हैं जो जानबूझकर सोशल मीडिया पर कई झूठे वीडियो बना रहे हैं, झूठे मैसेजेस फैला रहे हैं ताकि आप भड़क जाएं। वो आपको चमचा, भरतगण ऐसे कई उपनाम भी देते रहेंगे ताकि आप भड़क जाएं। देखिए, वो लोग तो अपनी नौकरी कर रहे हैं। आपका कॉमन सेंस अगर है तो ऐसी चीज़ों पर बिल्कुल भी रिएक्ट मत कीजिए, इग्नोर कीजिए। पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले में हमारे शहीद सिपाहियों को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम सब आपस में भाईचारा बना के रखें, हम सब एक रहें। याद रखिए, आतंकवादी अब कहीं बाहरी देश से नहीं आने वाला है,
वो हमें और आपको ही भड़काकर हम में से ही किसी एक को आतंकवादी बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। आतंकवाद से पूरा विश्व प्रभावित है। होशियार रहिए, सजग रहिए, एक रहिए।